बच्चों ये है प्रोजेक्ट मेज। तुम सबको मेज यानी कि भुट्टे इन खेतों में पैदा करने हैं। सब खेतों में हल चलाकर बीज बो दिए गए हैं। अब तुम्हारा काम है खेतों की रखवाली करना, पानी और खाद देना और फसल को बड़ा करना। जिसकी फसल सबसे अच्छी होगी उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। मैं सबसे महंगी वाली खाद डालूंगा। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। वो तो फसल बड़ी होने के बाद ही पता चलेगा बच्चे। अच्छा तो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सबसे पहले मैं खेतों में पानी डालूंगा, मेरी फसल सबसे अच्छी होगी। हाँ? ये क्या जादू हो रहा है? वीर, वीर कहाँ हो तुम? वीर, वीर, तुमने कुछ जादू किया है। देखो, पानी की धार हर बार तुम्हारे खेतों में जा रही है। बंटी, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ओके बाय, ठीक है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? फसल को कौओं और दूसरे पंछियों से बचाने के लिए ये स्कैरक्रो लगाया जाता है। खैर छोड़ो, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि स्कैरक्रो क्या होता है। हम भी स्कैरक्रो लाए हैं, वो उधर रोड साइड में रखा है। चलो इमली, अपना स्कैरक्रो लेकर आते हैं। जब ये वीर का मजाक उड़ाता है तो मुझे गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं जादू करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो भुट्टे उगाए थे। सांप नहीं, लॉलीपॉप्स। सांप नहीं है, लॉलीपॉप्स है। मेरे खेतों में लॉलीपॉप उगे हैं, लॉलीपॉप। मैं महान हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, शक्तिमान। अभी तेरी शक्ति निकालता हूँ। मेरी फसल, कभी सांप कभी लॉलीपॉप, ये हो क्या रहा है? बंटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? सर सर, मेरी फसल कभी सांप बन जाती है, कभी लॉलीपॉप बन जाती है। ये सब वीर ने किया है। उसी ने सांप और लॉलीपॉप के बीच डाल दिए होंगे। जिंटू जल्दी से सब ठीक करो, जल्दी। बंटी, सांप और लॉलीपॉप के बीज नहीं होते। अरे तुम्हारी फसल तो ठीक है। वो देखो, छोटा सा एलियन, चलो पकड़ते हैं उसे। ये मेरा एलियन है। उसे छोड़ दो। रोबो बॉय, देखो मैंने एलियन पकड़ा है। एलियन कितना क्यूट है ना। मैं इसको दुनिया भर में दिखा के फेमस हो जाऊंगा। मैंने कहा उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। अगर कोई खतरनाक जानवर तुम्हें पकड़ ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Now will you please excuse me? मुझे बहुत काम है, तुम जाओ समाज सेवा करो। अच्छा, अगर कोई जानवर उसे पकड़ेगा तो उसे अच्छा लगेगा। रोबो बॉय, बचाओ!
रहा है बच्चे, अच्छा लग रहा है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज रोबो बॉय बचाओ। आज के बाद फिर किसी एलियन को पकड़ोगे? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं कभी नहीं, सॉरी सॉरी, कभी नहीं कभी नहीं। अब मेरी बारी है। किसने मारा? ये गिल्ली डंडा कौन खेल रहा है? अब ये कौन सा गेम है? वोल्केनो से धुआं निकल रहा है। ये वोल्केनो ब्लास्ट हुआ तो पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। मैं तो अभी फुर्सतगंज छोड़ के भाग रहा हूँ। बंटी की मम्मी, जिंदू जल्दी से उस वोल्केनो को बंद करो। अगरम बगरम आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। वो देखो, वोल्केनो को किसी ने गिफ्ट रैप कर दिया है। ये कैसा जादू है? जिंटू जादू वापस करो, सब कुछ नॉर्मल करो पहले जैसे। तुम कभी मेरे काम से खुश नहीं होते, कितना अच्छा गिफ्ट रैप किया था। बच्चों, इस जगह हम स्पोर्ट्स सेक्शन एंड साइंस लैब्स पर आने वाले हैं। सर सर सर, मैं स्पोर्ट्स सेक्शन और साइंस लैब के लिए जितना भी सामान चाहिए सब डोनेट करूंगा। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। थैंक्स बंटी, लेकिन स्कूल को किसी के डोनेशन की जरूरत नहीं है। सर सर, मैं स्कूल के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप चिंता ना करें, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। वीर, तुम क्या दोगे स्कूल को? तुम क्या दे सकते हो? तुम तो उल्टा स्कूल से ही मांगोगे। बंटी, say sorry to वीर now, say sorry। लेकिन सर वो तुम इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। सॉरी वीर। मेरी वीर का मजाक उड़ाता है, अभी इसे मजा चखाता हूँ। अगरम बगरम आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। बंटी, सुना है तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है, मुझे रिपेयर करा दो ना। ये दीवार कैसे बोली? कौन है कौन है, कौन मजाक कर रहा है? भूत भूत, कहाँ है भूत? पापा के पास बहुत पैसा है, मुझे भी नया बना दो ना। मेरे पापा के पास पैसा नहीं है, सॉरी सॉरी, फिर नहीं कहूँगा। कान पकड़ो और सबके सामने उठक बैठक करते हुए ये बोलते हुए जाओ, समझे? सॉरी सॉरी, मेरे पापा के पास बहुत पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है। सॉरी सॉरी। बंटी, तुम्हें अचानक क्या हो गया? सर, सर, दीवार मेरे पीछे पड़ गई है, डस्टबिन मेरे पीछे पड़ गया है, उसे पता चल गया है कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। बंटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर जाओ और डॉक्टर से चेकअप करवाओ, जाओ। थैंक यू सर। मेरा ख्याल रखना बंटी। चलो आज गिल्ली डंडा खेलते हैं दोस्तों। गिल्ली डंडा बाद में खेलेंगे, पहले चल के चाट खाते हैं। क्या जिंटू, गिल्ली डंडा खेलते हैं ना? सुबह सुबह चाट खाने से दिन अच्छा बीतता है। खेलना नहीं आता इसीलिए ऐसे बात कर रहे हो। चलो मैं खेल के दिखाता हूँ, ऐसा शॉट मारूंगा कि गिल्ली ही खो जाएगी, फिर तो चाट खाने चलोगे ना। आज बॉस को वीर के पूरे दिन भर की रिपोर्टिंग करूँगा, देखता हूँ वीर दिन भर क्या क्या करता है। अगड़म पगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। हाँ।
गलती हो गई, तुम लोग पार्टी करो, मैं चला। ये तो जादूगर है, जादूगर है वो। इसमें गाजर तो नहीं? Thank you.